नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के शिक्षा जगत को विकसित और गुणात्मक बनाने के लिए कई संस्थानों ने ईमानदारी से प्रयास किया है, जिसमें चेयरमैन फातिमा शेख, जो पहले मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल को संचालित करती थी, अब वह दरभंगा के हजारों अभिभावकों के हित में दिल्ली वर्ल्ड क्लास स्कूल को अपनाते हुए दरभंगा में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, जिसकी 107 शाखाएं देश और विदेश में हैं। अब आज से बल्लोपुर एकमी में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बड़ा बैनर कॉर्पोरेट संस्थान यहां स्थापित हो चुका है। अभी इसमें 300 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है। इस स्कूल की खासियत यह है कि अगर छात्र देश के किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर होने या फिर विषम परिस्थिति में नामांकन या परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इसके 60% से अधिक शिक्षक देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रशिक्षित होकर आए हैं और मैनेजमेंट के साथ एजुकेशन एनवायरनमेंट की कमान दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच चलाएगी। वहीं 2024-25 सेशन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंग्लिश, स्पोकन, मैथ, साइंस लाइब्रेरी, खेलकूद, डांस, स्विमिंग पूल, बड़ा प्लेग्राउंड के साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में नामांकन की विशेष सुविधा के लिए संपर्क करें, ताकि आपके बच्चे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभा परीक्षा में सफल हो सके। देखें एक रिपोर्ट। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, अब हमारा स्कूल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के नाम से ही जाना जाएगा। और इससे साइन अप करने का रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, बेहतर एक्सपोजर देना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ बेहतर करते हो, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे होती है, ऐसा नहीं कोई एक लेवल पे आए तो अब आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे होती है और हम और बेहतर और बड़े नाम के साथ हमेशा से जुड़ना चाहते थे और अब हम जुड़ गए हैं और हम अब ये लेवल का उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है स्पोकन इंग्लिश की, शुरू से है, और अब हम स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग से टीचर भी रख रहे हैं और वो टाइम भी स्कूल का थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑलवेज ऑन टारगेट। एंड देखिए, बच्चे में कोई भी चेंज फौरन नहीं आता, हम लोग को स्लोली स्लोली बिल्ड करना होता है। हमारे बच्चे बहुत इम्प्रूव हुए हैं और हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल की, तो हमने इन स्कूल के साथ टाई अप किया है। ये स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे बेहतर है, ये हम जब काम करेंगे, स्कूल लॉन्च होगा, आप खुद देखेंगे, बच्चों में डिफरेंस देखेंगे। इस स्कूल के पास सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए। सो फोकस इज फॉर अ ग्लोबल सिटीजन, सो वी आर फोकसिंग ऑन अ ग्लोबल सिटीजन। हमारा जो स्कूल का बच्चा होगा वो कम्पीट करेगा दूसरी ब्रांचेस के साथ भी। हमारे पास DWPS के 106 ब्रांचेस हैं, हम 107th होंगे और ये सारे बच्चे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और सारी जो लेसन प्लान्स एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स होती है पढ़ाई की, वो हेड ऑफिस दिल्ली से DWPS से हमारे पास आएगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर सेलेक्शन और ये सिलेबस का गाइडलाइन किस तरह से होगा, कैसे निर्धारण होगा इसका? ये सारा कुछ सिलेबस, सारा कुछ लेसन प्लान सब हेड ऑफिस से ही आता है। रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं वो लोग और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनके इंटरनेशनल ब्रांचेस भी है, वहाँ पे भी भेजते हैं, वहीं से आएगा सारा कुछ। और जो है टीचर्स प्रिंसिपल सबकी ट्रेनिंग बहुत ही एक्सटेंसिव और ज़्यादा ट्रेनिंग होगी इन लोगों की, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, और उस ट्रेनिंग के हिसाब से टीचर्स के भी एग्जाम्स होंगे जिसमें उनको चेक किया जाएगा टाइम टू टाइम, तो इससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है। गार्जियन साइड से क्या बेनिफिट मिल रही है एक्स्ट्रा, जो कि वो कंपेयर अगर करें जो पहले पढ़ रहे हैं अभी, तो उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट? गार्जियन को ये बेनिफिट है कि उनको और बेहतर क्वालिटी मिलेगी। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर टू बिकम अ बेटर पर्सन, सो वी आर स्ट्राइविंग टू बिकम अ बेटर एजुकेशनिस्ट हियर, बेटर स्कूल हियर, तो हम और क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं यहाँ पे, तो गार्जियन को ये डिफरेंस समझ आएगा।